हेलो गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं आप सभी के लिए वेज मेयोनीज की बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। बिल्कुल हम जो स्ट्रीट फूड में खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका आता है। और ये रेसिपी साक्षी बघेल, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनके डिमांड पर मैंने बनाई है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बेल पेपर्स लिए हैं, जो कि रेड, येलो और ग्रीन तीनों प्रकार की मैंने शिमला मिर्च ली हुई है यहाँ पे। और मैंने खीरा लिया हुआ है, एक टमाटर और एक गाजर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को कट कर लूँगी और गाजर को ग्रेट कर लूँगी। और इसके अलावा मैंने हरी धनिया और हरा मिर्च को भी चॉप कर लिया है फाइनली। इसके बाद अब हम इन सभी चीज़ों को एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। गाइस, मैंने इन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कट किया है, जितना हिस्सा मुझे चाहिए था उतना ही, लगभग 3/4 पोर्शन मैंने लेकर कट किया है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और स्टफिंग हमें कम चाहिए होता है सैंडविच के लिए। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा नमक को। फिर मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लगभग आधा चम्मच। उसके बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, लगभग आधा छोटा चम्मच। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ये वेज मेयोनीज लिया हुआ है, इसका मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे थोड़ा 1/2 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, बट 2 चम्मच सफिशियंट होता है। अब लगभग 1 से 2 मिनट तक मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारा स्टफिंग बनकर कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। सो नाउ स्टफिंग इज़ कम्प्लीटली रेडी। तो अब हम ब्रेड में सबसे पहले बटर को अच्छे से अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। मैं ब्रेड की एक ही पोर्शन पे फ़िलहाल बटर को अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद बटर को इसमें अच्छे से फैला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग को लगभग 1 से 1.5-2 चम्मच तक के डाल दूँगी, जितना कि इसमें आ जाएगा। और हमें इसको बिल्कुल ध्यान से डालना है, जिससे कि इसे सेकने के टाइम पर ये बाहर ना आए। इस तरीके से हमें इसे डालना है और ऐसे मैं इसको चम्मच से इस तरीके से फैला लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लूँगी। गाइस, आप सभी चाहें तो इसे बिना ही सेके इसी तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे तवे पर सेक कर भी दिखाऊँगी। और चूँकि हम इसे तवे पर बना रहे हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन दोनों पर भी बटर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने इसे हीट कर लिया है लगभग 2 मिनट तक के लिए और हमें इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकना है, जिससे कि ये जले बिल्कुल भी ना। इसी तरीके से मैं दूसरे को भी रख दूँगी। अब लगभग 2 से 3 मिनट के बीच में ही हमें इसे टर्न कर लेना है और दूसरी तरफ को भी अच्छे से सेक लेना है। आपको इस समय फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, हाई में बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे हमारा ब्रेड जो है वो जल जाएगा। गाइस, आप सभी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मार्केट वाला सैंडविच खाना भूल जाएंगे और इसकी स्टफिंग जो मैंने रेडी की है ना, आप उसमें अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ और ऐड कर सकते हो। और अगर आपने आपको उसमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो या पसंद नहीं है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हमारा सैंडविच कम्प्लीटली रेडी है, ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है। अब मैं इन दोनों को निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी जो सैंडविचेस मैंने बनाई हैं उसे भी सेक लूँगी। तो ये लीजिए, हमारा सुपर डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनने वाला सैंडविच कम्प्लीटली रेडी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे बिना सेके बिना तले भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन इसके स्टफिंग को भी आप ऐसे एज अ सैलेड इन्जॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको इसकी स्टफिंग को ओपन करके ऐसे दिखाती हूँ कि देखिए इसका अंदर कितना डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। गाइस, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेयोनीज भी आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं और लगभग हर किसी के घर में अवेलेबल भी होती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आप सभी को आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही क्विक और फास्ट रेसिपी है गाइस। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, आप सब नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, उसे ऑल पर ही रखिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच।